हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ्स में पॉलिनोमियल की वन शॉट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरे चैप्टर के होते हुए ले जाएंगे और इसके अंदर आपको हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज फुल डिटेल में करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और देखने जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो को देख लिया उसके बाद आप सिर्फ अपने क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, रगड़ डालिए खुद को, जितना रगड़ोगे उतना चमकोगे। मेन चीज इतनी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, पॉलिनोमियल्स हमारा वन शॉट वीडियो है। किसका? पॉलिनोमियल्स का। तो पॉलिनोमियल्स वाली मेन पहले स्टार्ट ही होता है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिनोमियल। अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली एंड नॉमियल्स। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। अगर हम दोनों को देखें तो इसका मतलब हुआ मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल मतलब हो गया बहुत सारे टर्म। बहुत सारे टर्म कैसे डिफरेंशिएट होंगे? टर्म का मतलब होता है जो प्लस माइनस से अलग हो रहे हो। जैसे ये लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, जैसे लिखा है 2x+5, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। ये क्या है? एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ठीक है। मैनी मतलब बहुत सारे और ये टर्म एक से ज्यादा हो गए, और टर्म ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल यही होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा टर्म हो वेरिएबल के साथ, यही होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को हम अच्छे से समझते हैं, पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। ये होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक। ये हमने जनरल लिया है पॉलिनोमियल, जनरल, सिर्फ जनरल वाली पॉलिनोमियल लिया है। इसके अंदर ये जो ए है, ये हमारा जो ए है, इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म। कोफिशियंट का मतलब होता है इनके साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर, उसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इस बी का, ये कोफिशियंट ऑफ एक्स मतलब है एक्स के साथ में जो नंबर आएगा। यहाँ पे हमने ये जनरल फॉर्म किया, जैसे हम लिख देते हैं 7x² + 3x + 8 = 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना होगा 7, यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट कितना होगा 3, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कितना होगा 8। कॉन्स्टेंट टर्म मतलब होता है वो वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होती। 8 की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, चाहे लीनियर इक्वेशन लिख लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री लिख लो, ट्राइंगल लिख लो, चाहे आप बचपन में पहुंच जाओ यूकेजी क्लास में, 8 हमेशा 8 ही रहेगा। तो कॉन्स्टेंट टर्म का मतलब हो गया वो चीजें जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये समझ में आ गया अच्छे से, ये चीजें नोट कर लेनी चाहिए बच्चों को, पता होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो इनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और हम ऐसा करेंगे आपका टाइम बचाते हुए चलेंगे, आपका भी टाइम अपना भी टाइम, जो बोर्ड वगैरह रफ होता है वो सब काटते हुए चलेंगे। अभी इसको देख लीजिए, नोट कीजिए इसको। तो चलिए बच्चों, आप देखते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है, डिग्री समझते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इजीली समझ में आ जाएंगे। डिग्री समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर। कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वही होती है हमारी डिग्री। जैसे मैंने लिखा 3x+5, वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल वो जो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, एक्स, एक्स वैल्यू कुछ भी आ सकती है, किसी को एक्स वैल्यू 1 आती है, किसी में एक्स वैल्यू 2 आती है, किसी में एक्स वैल्यू 0 आती है। तो वेरिएबल वो होगा जिनकी वैल्यू हर टाइम चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? एक्स। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है डिग्री। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। जैसे मैं लिखूं 2x² + 5x + 8 = 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। अब x की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे ये 2, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई 2। डिग्री, एक बार फिर से बता रहा हूँ, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये होता है हमारा डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यही हमारा डिग्री कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 7x⁸+8x+9 = 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। x की पावर कितनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 8 हो गई। जैसे मैंने लिख दिया 79y⁻+88x⁸=0, तो यहाँ पे y की वेरिएबल क्या है? हमारा y है, और y जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो डिग्री क्या हो गई? 1। वेरिएबल मतलब वो चीजें, वो वैल्यू, वो एलिमेंट जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है।
ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, वाई होगा, वाई की वैल्यू हर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है, लेकिन 88 ये तो कांस्टेंट रहेगा, कहीं भी चली जाएगी 88 ही रहेगा, इसकी वैल्यू कहीं पे जाके 78 नहीं हो जाएगी, 88 मतलब 88, ठीक है। तो डिग्री समझ गए होंगे, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के प्रकार, टाइप्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पहली होती हमारी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड होती है हमारी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ होती है हमारी बाई क्वाड्रेटिक, बी आई क्यू यू ए डी आर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए शॉर्ट में समझाते हैं जल्दी, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, लीनियर मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, ठीक है। लीनियर मतलब क्या, जिसकी डिग्री कितनी हो, वन हो, डिग्री वन हो, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल जैसे हो गया 2x + 5 = 0, वेरिएबल x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 2, ठीक है। जिसका एग्जांपल हो जाएगा 2x² + 8x + 10 = 0, यहां पे वेरिएबल क्या है, x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, ओके। क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, डिग्री जिसकी कितनी हो, 3, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 4, ठीक है। इसका एग्जांपल बन जाएगा हमारा 8x³ + 2x² + 9x + 13 = 0, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर है x, x की वैल्यू, x की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1, सॉरी x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x पावर 3, तो डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 1, 2, 3, सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो 3 हो जाएगी इसकी डिग्री। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर, जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा हो, 4, इसका एग्जांपल मान लेते हैं 48x^4 + 8x³ + 2x² + 9x + 13 = 0, ये क्या हो गया हमारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 4, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में एक बात हमेशा याद रखना, हमको जब पॉलिनोमियल अरेंज करनी होती है वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये है 2, पहली पावर 2, दूसरी 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0, इसको या तो हम डिक्रीजिंग में कर सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग में कर सकते हैं। अब तक हमने समझ लिया पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल जो हमने समझ लिया वो क्या होती है, लेकिन अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है, मतलब हमको पहचाने कैसे कि कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल है, कौन सा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये सारी चीजें हमको पता भी तो होनी चाहिए। तो वो चेक करने के कुछ रूल्स हैं, पहला रूल पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, जो वेरिएबल है उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब कौन से होते होल नंबर, वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3 और इंडेफिनेटली चलते जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, डिनोमिनेटर के अंदर कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, नॉट अ सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, मतलब कि जो नीचे होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो होता है उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, ठीक है, वेरिएबल डिनोमिनेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको देता हूं 2x² + 3x + 8 = 0, तो इसके बताइए जो पावर है, जो हमारी वेरिएबल्स है उसकी पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से आगे चल जाने जितने भी नंबर होते हैं सभी होल नंबर होते हैं, तो यहाँ इसकी 2 है, इसकी 1 है, होल नंबर है, तो ये क्या होगी हमारी पॉलिनोमियल होगी। कौन सी पॉलिनोमियल है ये, इसकी डिग्री 2 है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितनी इसकी 2, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 2x² / y, तो ये क्या +8 = 0, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, बताइए नहीं होगा ना, साफ साफ दिख रहा है हमको नहीं होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, जब नीचे से ऊपर जाती है कोई चीज उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, y की पावर -1,
टू एक्स स्क्वायर वाई की पावर माइनस वन प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाई की पावर कैसी हो गई, माइनस वन, इंटीजर फॉर्म में आ गई। लेकिन हमने क्या बोला था, पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने आपको बोल दिया, चेक कीजिए, टू रूट एक्स प्लस एट एक्स प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, चेक करिए। तो इसमें क्या होता है, टू, ये जो रूट की वैल्यू होती है वन अपॉइंट टू होती है, पता होगा सभी बच्चों को, रूट की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉइंट टू, ऐसे लिखते हैं इसको, प्लस एट एक्स प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा, बताइए। अगर हम अच्छे से देखें तो ये क्या है, रेडिकल की फॉर्म है, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और फ्रैक्शन तो होता ही नहीं है, होल नंबर क्या होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, अप टू इनफिनिट, यही होते हैं होल नंबर, क्या होते हैं, जीरो से आगे बढ़ने वाले नंबर। और ये क्या है, वन अपॉइंट टू, ये नहीं होगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री, जिसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, होल नंबर मतलब पूरा नंबर, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इसमें कैसा है, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू होल नंबर नहीं होता, जब होल नंबर नहीं होता तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ये नहीं है पॉलिनोमियल, ये नहीं है, ये है, समझ गए, काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल की कैसे चेक करते हैं, कौन सी चीज पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस इसको समझते हैं। इससे पहले छोटी सी चीजों देख लेते हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो, ये लिखा, तो इसका क्या लिखते हैं हम, ऐसे वो लिखते हैं, पी ब्रैकेट में एक्स इक्वल टू, ऐसे पी का मतलब पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट में जो लिखा होगा उसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू। अभी यहाँ पे एक्स लिखा है, मतलब एक्स की जगह एक्स ही रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पी इंटू टू, ये ब्रैकेट का टू लिख दिया, तो मतलब मुझे सभी एक्स की जगह पे क्या कर देना है, टू टू पुट कर देना है। जैसे टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस थर्टीन, ठीक है, ओके, समझ गए। जैसे मैंने लिख दिया पी की जगह 1.5, तो मुझे सभी जितने भी एक्स की जगह दिख रही है उनकी जगह पे 1.5 पुट करना है। ठीक है, आपको ऐसे हमेशा लिखा हुआ मिलेगा बुक्स के अंदर, कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें भी ऐसे ही मिलेगा, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस थर्टीन। तो पी का मतलब पॉलिनोमियल और एक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें तो आरएचएस के बराबर आ जाए। जैसे आरएचएस में इसके अभी जीरो था, तो मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं इसमें पुट करूं तो वो पूरी पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, समझ गए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक बार फिर से बताते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यू या फिर एक्स की वो वैल्यू जिसको मैं पॉलिनोमियल के अंदर रखूं, पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूं, एक्स की जगह पे रखूं, तो फिर पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है, समझ गए होंगे अच्छे से। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको बताते हैं, जितनी जिसकी डिग्री होती है, जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस निकल के आते हैं। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। मतलब देखिए, जैसे मैंने लिखा था एट एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसकी डिग्री कितनी थी, वन, तो इसके जीरोस, जीरोस मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक निकल के आएगी। कैसे निकलेगी, फाइव को ट्रांसफर कर देंगे, एट एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एट को नीचे ले आएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फाइव अपॉन एट। ठीक है, ओके, जिसकी जितनी डिग्री उसकी उतनी वैल्यूज। जैसे मैंने लिख दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, इसकी डिग्री कितनी है, दो, इसकी डिग्री कितनी है, दो, डिग्री दो, तो मतलब इसके जीरो कितने निकल जाएंगे, दो, मतलब एक्स वैल्यू दो निकल जाएंगे, दो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकल जाएंगे एक्स की, वो हम किससे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे, वो तो सबको आता होगा अच्छे से, जब टेंथ क्लास में हो तो वो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको हम बताते चलेंगे धीरे धीरे क्या होता है, जीरो से लेके चलेंगे, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसमें चलते जा रहे हैं, आगे बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया होगा, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोस होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओनली, ये जो सिंपल जी पॉलिनोमियल्स होती है ये तो अभी हम खत्म कर चुके हैं, तो आपके लिए है नहीं, ये तो पहले ही खत्म हो चुका है।
अभी आप हायर लेवल पे हो, मतलब टेंथ लेवल पे हो, तो उसमें आपके लिए याद चलता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, आपको मैंने बताया था अभी कि इसके जितनी डिग्री होती है उतने जीरो आते हैं। इसकी डिग्री कितनी होती है? दो, तो इसके दो जीरो निकल के आते हैं। ठीक है, इसकी डिग्री दो होती है, इसके दो जीरो निकल के आते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर एक्स की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की यहाँ पे कुछ निकल के आएगी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ निकल के आएगी। तो इसका जो पहला जीरो होता है उसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, जो पहला जीरो होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और जो दूसरा जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं? बीटा। ठीक है, पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा। ठीक है, अब क्या होता है, इसके हमने आंसर्स निकाले, इसके हमने आंसर्स निकाल लिए, इसके हमने एक्स वैल्यू निकाल ली, इसके हमने जीरोस निकाल लिए। तो अब हमको कंफर्म कैसे होगा ये जीरोस सही है या गलत है? हमको ये कुछ पता भी तो होना चाहिए कि हमने सही किया या गलत किया। तो उसके लिए एक तरीका होता है सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं सी अपॉन ए। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद कोफिशियंट। क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद कोफिशियंट, इसकी हेडिंग है रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद कोफिशियंट। ओके बच्चे लोग, सम ऑफ जीरोस ये हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सी अपॉन ए का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रिलेशनशिप होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं आगे यहाँ पे नीचे लिख के दिखा रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा। पहला जीरो अल्फा होता है, दूसरा जीरो बीटा होता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी याद रखना कॉन्स्टेंट टर्म होता है, ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है, ए हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये माइनस जो है फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, ये जो माइनस है वो यहाँ पे है ऐसे ऑलरेडी। ठीक है, तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद होना चाहिए, ये हमारी मेन चीज है। इसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे टर्म वन के अंदर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए अच्छे से, समझ लीजिए क्या लिखा होगा। कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, आपके सारे कमेंट्स का आंसर आपको मिलेगा। अब आपका बच्चों ये वाला क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, यानी हमने जो पढ़ा टॉपिक उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन उसी की। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल दे रखी है, इसके जीरोस निकालने हैं, फिर उनकी रिलेशनशिप जो होगी वो वेरीफाई करनी है, वो जो हमने अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अगर वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे जीरोस सही है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो वीडियो को रोक दीजिए, खुद ट्राई कीजिए, खुद अपने आप लोगों का ये रिवीजन चल रहा है, ये कोई आपको सिखा नहीं रहा हूं मैं स्टार्टिंग से, आपका ये रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के हिसाब से अपने आप ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, नहीं आएगा तो फिर देख लेना आगे, वीडियो को 2 मिनट थोड़ा सा रोक दीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए मैं कराता हूं, देखिए सबसे पहला काम हमको पॉलीनोमियल लिखना है। ठीक, पॉलीनोमियल हमने लिखा 6x²-3-7x=0। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पॉलीनोमियल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। यहाँ पे क्या है 2, 0, 1, तो ये तो थोड़ा सा जंबल है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे 6x²-7x-3=0। ओके बच्चे लोग, ये कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके जो ये तीन टर्म है इसको किससे सॉल्व करना होता है? फैक्टराइजेशन से। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग, देन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। जिसको नहीं आता वो जरा इधर साइड में देखिए, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जैसे हमारा ये नंबर था ये पहला, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं। ठीक, फैक्टराइजेशन में क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या करते हैं, जो आ गया नंबर हमारा 18, मल्टीप्लाई किया हमने 18 आ गया, 18 के हम फैक्टर करते हैं सभी के, 2, 9,
3 3 3 1 हमारे पास ये नंबर आया 2 × 3 × 3। हमें नंबर्स का यूज करके, ये जो तीन नंबर है नंबर्स का यूज करके हमको कोई दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर मिल जाए और जिनको प्लस माइनस करें तो हमको ये बीच वाला नंबर मिल जाए। ठीक है, समझ में आया क्या करना होता है? जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर मिल जाए और प्लस माइनस करें तो बीच वाला मिल जाए। फिर से समझ लेते हैं, फैक्टराइजेशन के अंदर या फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अंदर हमको क्या करना होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 6 × 3 = 18, फिर उस 18 में करो फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारा ये आ गया 2 × 3 × 3। अब इन नंबर्स का, ये जो तीन नंबर है इनका यूज करके हमको दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको ये मिल जाए और प्लस माइनस करें तो हमको ये मिल जाए। जैसे देखिए 3 × 3 = 9 और एक नंबर हो गया 2, 9 + 2 क्या होता है 11, ये नहीं आया हमको क्या चाहिए 7, तो 9 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 9 - 2 क्या हो गया 7 और 9 × 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमको 11 नंबर चाहिए आ गया और प्लस माइनस करने पर हमको 20 नंबर चाहिए 7 वो भी आ गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कर देंगे 6x² - 7 की जगह क्या लिख देंगे 9 - 2x, 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही तो आएगा। ठीक है, -3 = 0 जो हमने यहाँ पे निकाला उसको लिखते हैं यहाँ पे 7 की जगह। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे 6x² - x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर 9x - 2x - 3 = 0। ठीक, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे, जब माइनस अंदर भेजते हो सारे साइन की साइन सारे चेंज हो जाते हैं। क्या आ गया 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। ठीक, ओके, इसके बाद क्या करना होता है हमको इन दो में से जो कॉमन होता है उसको बाहर निकालना होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करना होता है, इन दो में से कॉमन बाहर निकालना होता है। जरा ध्यान से कंसंट्रेट होकर बैठिए, इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए और अपना थोड़ा जो एनवायरनमेंट है उसको पढ़ने वाला होना। ये ऐसा नहीं कि लेट के पढ़ रहे हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, बगल में खाना रखा है खाते हुए पढ़ रहे हैं, चाय पीते हुए पढ़ रहे हैं, कॉफी पीते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये सब अच्छा नहीं होता। पढ़ाई के टाइम पर अपनी पढ़ाई होनी चाहिए, टेबल पर बैठ जाइए अच्छे से जम के सारे डिस्ट्रेक्शन को काट दीजिए। हमारा मेन काम है पढ़ने का, वीडियो पर क्लिक क्यों किया था, पढ़ने के लिए, तो पढ़िए कुछ और मत कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं 6x² - 9x कॉमन क्या दोनों में, 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 × 2 = 6, यहाँ पे 3 × 3 = 9, साथ में यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, कॉमन क्या हो गया 3x, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3। देखिए 9x में से अगर मैं 3x निकालूं तो 3 तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है 2x और 3, कुछ कॉमन है बताइए 1, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 भी कॉमन है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 2x - 3 = 0। देखिए क्या होता है यार, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गए, तो यही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने का यही हमारा एक जरिया होता है पहचानने कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम ही आएंगे, ये जो दो ब्रैकेट है वो कैसे आएंगे, हमेशा बिल्कुल सेम आएंगे। अब क्या करना है, देखिए 2x - 3 दोनों कॉमन है, 2x - 3 बाहर आ गया, अंदर क्या हो जाए 3x + 1 = 0। ठीक है, ये हो गया, अब यहां हमारी एक्स वैल्यू निकल आएगी सिंपली, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं बताने की, है ना। देखिए क्या हुआ, 2x - 3 = 3x + 1 = 0, इसको 0 में भेज दो सारा, 0 में गया तो इधर क्या होता है 2x - 3 = 0, 3 को इधर भेजा 2x = 3x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। ठीक, ओके, सेम इसमें करेंगे, अब ये इसके लिए था, अब सेम इसमें करेंगे 2x - 3 × 3x + 1 = 0, यहाँ पे हमने इसको 0 में भेजा, अब इसको 0 में भेजेंगे, ये गया 0 में, अंदर क्या बचा 3x + 1 = 0, 3x = -1, एक्स वैल्यू क्या आ गई -1/3। ये क्या आ गई हमारे अल्फा और बीटा, अल्फा कितना आया हमारा 3/2, बीटा कितना आया -1/3। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, इसके 0 आ गए, 0 से निकाल लेते 0 आ गए। अब सेकंड पार्ट, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जो इसके 0 है और जो इसके कोफिशिएंट है दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप क्या होता था, α + β = -B/A। ठीक, α + β 3/2 प्लस फॉर्मूले का बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस।
माइनस वन अपॉन थ्री माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये बी है सिक्स नहीं बी, तो बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर सेवन माइनस का सेवन, ठीक है बी की वैल्यू कितनी माइनस सेवन और ए की वैल्यू कितनी है सिक्स, ओके माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेवन अपॉन सिक्स और इधर क्या हुआ थ्री टू जा एलसीएम क्या हो गया सिक्स, ठीक एलसीएम सिक्स हो गया थ्री थ्री जा नाइन माइनस टू नाइन माइनस टू करेंगे क्या हो जाएगा सेवन अपॉन सिक्स और इधर क्या है सेवन अपॉन सिक्स, पहला रीजन से वेरीफाई हो गया, पहला क्या था सम ऑफ जीरोस हमारा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए, बी अपॉन ए मतलब माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स, इसको नोट कर लीजिए जरा, चलिए उधर ही करा देते साइड में अल्फा इंटू बीटा। दूसरा रिलेशनशिप क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा अल्फा की वैल्यू थ्री अपॉन टू बीटा की वैल्यू माइनस वन अपॉन थ्री सी, सी क्या है यहाँ पे ये रहा सी की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, साइन के साथ लेते हैं वैल्यूज सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस थ्री और ए की वैल्यू क्या हो गई सिक्स, ए की वैल्यू सिक्स थ्री से थ्री कट गया, ठीक है यहाँ पे आ गया माइनस वन अपॉन टू और यहाँ से थ्री के टेबल से ये टू आ गया थ्री टू जा सिक्स तो ऊपर क्या बचा माइनस का वन अपॉन टू, ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जीरोस जितने भी आए हैं सभी सही है, हमने पूरा सही किया है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये वाला जो एग्जांपल है ये एग्जांपल नंबर थ्री है एनसीईआरटी का, ये जरा देख लीजिए थोड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है तो इसमें क्या करना है आपको पॉलीनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और इसका हमको जीरोस निकालना है, उसके लिए जो जीरोस आएंगे और उसकी कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो देखिए अच्छे से इसका जो पॉलीनोमियल दे रखी है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो अच्छे से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है यहाँ पे बी की वैल्यू क्या अगर मैं रूट थ्री कर दूं तो देखिए अभी मैं इसको कर दूं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री के ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, फॉर्मूले याद नहीं हो गए तो मैथ नहीं कर पाओगे, मैथ पूरी फॉर्मूले ऊपर बेस्ड होती है, तो देखिए ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू थ्री तो क्या हो जाएगा ये x प्लस रूट थ्री यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक अब ये जो अभी हमने फैक्टराइजेशन कराया था उसी का लास्ट स्टेप बन गया, अब क्या करना होता है यहाँ से एक बार इसको जीरो भेजो एक बार इसको जीरो भेजो, जब जीरो भेजेंगे एक बार वैल्यू आएगी x की वैल्यू माइनस रूट थ्री और एक बार x की वैल्यू आएगी प्लस का रूट थ्री, ठीक है जीरो से आगे अल्फा बीटा वैल्यू आ गई और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा अल्फा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बीटा वैल्यू प्लस रूट थ्री माइनस प्लस जीरो बी, बी क्या होता है क्या होता है बी, बी यहाँ पे सेकंड टर्म मत समझना, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अच्छे से बताया था सेकंड टर्म अच्छे समझ लेते हैं, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स तो है नहीं यहाँ पे एक्स है नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो गया जीरो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है वन तो जीरो अपॉन वन जीरो, ठीक है दूसरा रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक अल्फा इंटू बीटा माइनस रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू प्लस का रूट थ्री इक्वल्स टू वो भी निकाल लेंगे रूट थ्री क्या हो गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो गया थ्री, ठीक थ्री आ गया लेकिन ये माइनस का साइन ये आगे आ जाएगा, सी सी क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म कितना है माइनस थ्री माइनस थ्री, ए क्या होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है वन, ठीक तो ये क्या हो गया वन, नीचे वाला नंबर हटा देते हैं मतलब होता है उसको दिखते नहीं है तो माइनस थ्री, ये हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई, रिलेशनशिप वेरीफाई मतलब क्वेश्चन हमारा हमने सही किया है, हमको अच्छे से इसमें दो या तीन नंबर मिल जाएंगे, ठीक है नोट कर लीजिए बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के अंदर 2.2 के अंदर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है, इनको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू कॉमन क्या है यहाँ पे फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू में फोर कॉमन है और यू कॉमन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, फोर यू को जीरो भेज देंगे जो मल्टीप्लाई होता है उसको जीरो भेज दो तो यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू, ठीक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, फिर से समझ लीजिए फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू कॉमन क्या है फोर और यू कॉमन है फोर यू को कॉमन निकाल ले यू प्लस टू बचा यू प्लस टू में से टू बदल भेजे यू की वैल्यू माइनस टू आ गई, इसको भेजना है जीरो में इसको भेज दीजिए फिर यहाँ पे फोर यू बचेगा ओनली फोर यू बचेगा फोर यू जी फोर को नीचे भेजेंगे फिर से वो जीरो आ जाएगा तो एक वैल्यू इसकी यू की वैल्यू क्या आ गई जीरो और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, सेम ये थोड़ा सा अलग है इसके अंदर क्या है टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो ये दे रखा है,
तो हमको क्या करेंगे इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो क्या होता है रूट बन जाता है, रूट बन गया। अब रूट में तो दो वैल्यू आती है, प्लस की और एक माइनस की, सबको पता होगा। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी प्लस का रूट 15 और एक आएगी माइनस का रूट 15। ठीक है, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत है। हमने अभी तक आपको क्या किया था, इक्वेशन दी थी हमको, हमने आपको मतलब इक्वेशन नहीं पॉलीनोमियल दी थी, तो पॉलीनोमियल से हमने आपको जीरोस निकालना सिखाया, पॉलीनोमियल से जीरोस निकालना सिखाया। अब क्या होगा, हमको जीरोस दे रखे होंगे, जीरोस से पॉलीनोमियल निकालना है वापस से। ठीक है, अगर कोई पॉलीनोमियल दे रखा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जीरोस क्या आते, एक अल्फा आता था एक बीटा आता था। ठीक है, अल्फा बीटा आता था, फिर हम अल्फा बीटा को वेरीफाई कर लेते थे, अल्फा बीटा करके एंड अल्फा इनटू बीटा करके। ठीक है, अब क्या कर देगा, हमको क्वेश्चंस के अंदर जीरो पहले से ही दे देगा, हमको जीरो दे देगा, बोल देगा इक्वेशन दे रखी है आपका पहला जीरो ही है, फर्स्ट जीरो क्या है -8, सेकंड जीरो क्या है 3 है। ठीक है, अब इससे आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इसका होता है एक फॉर्मूला, अगर हमको जीरोस दे रखे हो और वहां से इक्वेशन निकालनी है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, इक्वेशन या फिर पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल निकालनी हो तो उसके लिए क्या होता है के, के हमारा कोई कांस्टेंट होता है। ठीक है, अंदर आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर आता है माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम इनटू एक्स, ठीक, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, इसमें पहले पुट कर देते हैं के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो जीरोस दे रखे हैं उनका सम कर दीजिए, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, ये होता है, इसको नोट कर लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब हमको एक एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है, जिसके अंदर बोला है उसने एग्जांपल नंबर 4 के अंदर जो सम है वो -3 है और जो प्रोडक्ट है वो 2 है, सम जो है -3 दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक है, अब हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालिए, तो इक्वेशन में k x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहता है सम, सम को ऑलरेडी -3 दे रखा है, तो माइनस फॉर्मूले का -3 जो सम दे रखा है, और प्रोडक्ट कितना है 2, तो 2 हमने यहाँ पे ये रखा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आगे हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब इसके अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकाले और उनका सम करें तो -3 और प्रोडक्ट करें तो 2 ही आएगा। सिंपल सी बात, समझ में आ गई होगी सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब देखिए, हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2009 के अंदर आ चुका है, इसके अंदर क्या बोला है प्रोडक्ट हमको दे रखे हैं 0 का 4 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, पॉलीनोमियल क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसके जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो कितना है 4, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 4, और हमें a की वैल्यू निकालनी है, a मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमको पता है अल्फा इनटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होता है, यहां तो 4 दे रखा है, वैसे अल्फा इनटू बीटा किसके बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये a हमारा a छोड़ो इससे मतलब लिखो, इसको ऐसे लिखो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट of x square का coefficient, alpha into beta हमको already 4 दे रखा है, constant term कितना है minus 6, ये 0 के बराबर है equal to 0, और coefficient of x square का साथी, coefficient of x square मतलब x square का साथी कितना है a, a हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, a को इधर transfer कर दो, 4 को इधर भेज दो, a equal to -6/4, 2 के टेबल्स कट जाएंगे -3/2, a की वैल्यू आ गई 2, ऐसे हम कभी कभी सम ऑफ जीरोस में दे रखा होगा कि ये नहीं दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालो, सम ऑफ जीरोस दे रखे होंगे, तो काफी कभी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये काफी सिंपल क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो उनको अभी हम कराते हैं पहले इसको, जो ये वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2008 के अंदर आ चुका है, अभी मैं जो बोल रहा था अल्फा बीटा वो थोड़ा इसके बाद कराएंगे, ये क्वेश्चन उनको पहले मिल गया तो इसको करा देते हैं। इफ 10 ऑफ द पॉलीनोमियल, ये हमारी पूरी पॉलीनोमियल है, क्या है हमारी पूरी पॉलीनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इक्वल टू 0 पॉलीनोमियल है, इसका जो एक जीरो है मतलब जो इसका फर्स्ट जीरो है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, मतलब अगर मान लो फर्स्ट जीरो 2 है तो दूसरा क्या होगा 1/2, फर्स्ट 3 है तो दूसरा क्या होगा 1/3 होगा, एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ, है नहीं है।
ठीक है, जैसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस नाइन पूरा, ओनली नाइन में समझ लें या फिर ओनली ए स्क्वायर में समझ लें, पूरा होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके साथ भी है इसके साथ भी है। ठीक है, मान लो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए फर्स्ट जीरो, इसका फर्स्ट जीरो क्या होगा अल्फा, और सेकेंड जीरो क्या होगा सेकेंड जीरो बीटा। मान लो अल्फा की वैल्यू हमने मान ली के, ठीक, अल्फा वैल्यू के मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा अपॉन में। ठीक है, तो पहला जीरो की वैल्यू हमने के मानी तो दूसरी जीरो की वैल्यू क्या आएगी वन अपॉन के, आएगी या नहीं आएगी, आएगी वन अपॉन के। ठीक, अब एक बात बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का मल्टीप्लाई, पहला हमने के लिया दूसरा क्या लिया वन अपॉन के, सी, सी की वैल्यू क्या होती है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है सिक्स ए, और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ ही क्या है ए स्क्वायर प्लस नाइन, के से के कट गया, गया इधर, इसको इधर भेज देंगे, इधर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू सिक्स ए, सिक्स ए को इधर भेज देंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इसका इसको मेडल का रिस्पेक्ट से कर लेंगे, आप कर लेना, इसका आंसर कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, इसको अपने आप करना होगा। ओके, तो बच्चों जो मैं बोल रहा था अल्फा बीटा तो ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन करना, मैंने सारे के सारे केस दे दिए, सात केस, ये सात केस अगर आपने अपने आप कर लिए तो इसके अलावा जो कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सब अपने आप कर लोगे, और ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, देखने में थोड़े लगते हैं, थोड़े टिपिकल टाइप, लेकिन अगर आप अपने आप थोड़ा ध्यान से एक बार देख लोगे, मेरे को समझ लोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या करने को बोल रहा हूँ, तो फिर ये आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, और वैसे भी अभी ये सिंपल है, बहुत सोचे तो अपने आप कर भी लेंगे इनको। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखी है पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस फोर, इसका सॉल्यूशन यहाँ से करते हैं पहले वाले का, फर्स्ट का। एक क्वेश्चन क्या देखिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ठीक, इसके जीरो क्या है अल्फा और बीटा, इसके क्या है जीरो, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके क्या है जीरो, मतलब एक्स की वैल्यू, फाइंड दी वैल्यू हमें इसके अंदर निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालें तो पहले हमारे पास अल्फा की वैल्यू चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए, है ना, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, या फिर देख लीजिए ऐसा कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अच्छे से देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने पहले भी बोला फॉर्मूले याद होंगे तो आप मैथ्स को चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा, ए की वैल्यू यहां से क्या निकली अल्फा, बी की वैल्यू बीटा निकली। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट अल्फा और बीटा वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे यहाँ पे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए निकल आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए डायरेक्ट पुट हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सम ऑफ जीरोस, वो किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस हमारा फॉर्मूले का, और b की वैल्यू कितने माइनस फाइव, माइनस फाइव अपॉन ए की वैल्यू वन, तो माइनस माइनस फाइव प्लस फाइव। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, c की वैल्यू कितनी है फोर, a की वैल्यू वन, तो क्या हो गया फोर। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितनी होगी माइनस बी अपॉन ए, कितनी आ गई फाइव। ठीक, फाइव का स्क्वायर माइनस टू इंटू फोर, फाइव का स्क्वायर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव, टू इंटू फोर एट। ठीक, ट्वेंटी फाइव में से एट गई कितने बचे पच्चीस से आठ गए सत्रह। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, याद रखना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, इस फॉर्मूले से ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू भी लगा सकते हैं, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। फाइव का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए की, तो बी अपॉन ए से हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली, वैसे हम क्या करेंगे अल्फा वैल्यू निकाल पड़ेगी बीटा वैल्यू निकाल पड़ेगी, तो लंबा हो जाएगा यहाँ से, क्या है तीन लाइन सॉल्व हो गया, एमसीक्यू आएगा डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं हम। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा ये सेकेंड ऑप्शन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ये बी नहीं है बीटा है। ठीक है, तो क्या होता है इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा। देखिए जब एलसीएम समझ में नहीं आए, जब आपको एलसीएम समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या आएगा एलसीएम, तो क्या करो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे ये और ये,
इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अल्फा बीटा आ गया, अल्फा का इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कहाँ गया, ये रहा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा चल रहा है, ठीक है। और ये हमको, ये तो हमने वैल्यू निकाल ही ली है, चाहो तो आप पूरा फोल्ड कर सकते हो, वरना इससे पहले पूछो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 17, ठीक 17 आ गई। और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितनी है 4, 17 अपॉन 4, ये भी हो गया सिंपल, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पहले इनको नोट कर लीजिए, मतलब समझ लीजिए, नोट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन चल रहा है तो सभी के पास नोट्स होंगे ही, कर लीजिए। देखिए थर्ड, थर्ड क्या दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फॉर्मूला बताइए कौन सा बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, जोर लगाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए की वैल्यू अल्फा, बी की वैल्यू बीटा, तो इसका क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू अल्फा बीटा, इसको रफ कर देते हैं, ये फॉर्मूले नोट कर लेना अच्छे से जिसको नहीं हो, अल्फा बीटा और ब्रैकेट में क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, सब कुछ इसमें पुट कर दो, सब कुछ निकल आएगा सीधा आंसर, अल्फा प्लस बीटा 5, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 अंदर 5, 5 का क्यूब 5 से 25, 25 इंटू 5 125, माइनस 5 4 से 20, 20 टू 3 60, माइनस कर लीजिएगा हो जाएगा कितना आएगा, माइनस 40, 40 और 20 60, 65 आ गया 65, ठीक है। थर्ड हो गया, फोर्थ आराम आराम से अपने आप करेंगे ना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है ये। फोर्थ क्या आता है हमारा, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे सेम ऐसा ही कर दो, समझ में नहीं आ रहा तो, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, बीटा इधर जाएगा, बीटा क्यूब इंटू 1 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब इंटू 1 अल्फा क्यूब, ठीक। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को मैं ऐसे लिख लूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और नीचे वाले को ऐसे लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा क्यूब और होल क्यूब, लिख सकता हूं सिंपल, यहां पे अल्फा क्यूब क्यूब है, बीटा क्यूब क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वो, और सॉरी अल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, कहा गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 65, 65 आ गई, और अल्फा इंटू बीटा की 4, 4 का क्यूब 4, 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आ गया हमारा 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, सिंपल सिंपल है, काफी सिंपल है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ क्या है हमारा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्या करेंगे बताइए, अपने आप, अब तो कर दीजिए एक क्वेश्चन तो अपने आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे से अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर भी लो, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्यूब, और बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्या हो गया, बीटा क्यूब, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कोई इशू नहीं आया होगा इसमें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल रखी थी इसकी, जो कुछ भी आई थी वो इसको पुट कर देना, और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 4 थी, पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हो गया सिंपल। अब आता है ये, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस पे आप ध्यान दोगे तो ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है। सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या है हमारा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ध्यान दीजिए इस पे, ये कर दिया अपने आप तो फिर सब सब कर दिया, फिर तो आपका पॉलीनोमियल फिंगर टिप्स पे ऐसे आ जाएगा, चुटकियों में करते करते आ जाएगा। तो देखिए ये है, इसको क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है,
अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी होगी अल्फा स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी होगी बीटा स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है, ए ये पूरे को ए मान लो, अल्फा स्क्वायर को ए माना तो ए का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को बी माना, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। क्या करेंगे अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू बी का फॉर्मूला लगा देंगे, a की वैल्यू कितनी है अल्फा स्क्वायर, ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से बता देता हूँ, इसका हमने होल स्क्वायर 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 चला दिया, यहाँ पे भी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर चला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए की वैल्यू कितनी थी अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी थी बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फिर से बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, लेकिन यहाँ पे ए क्या है अल्फा और यहाँ पे बी क्या है बीटा, अच्छे से समझिए यहाँ पे क्या था, ए अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है अल्फा, तो क्या करता हूं मैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का लिख लूं, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है सिंपल। अब क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा बीटा वैल्यू पुट दीजिए, हो जाएगा सिंपल, कसम वैल्यू पुट कर देना आंसर निकल आएगा इसका, समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला, ये तो इससे भी ज्यादा सिंपल है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये इसके साथ गया, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर फोर, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा की पावर फोर, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, अल्फा फोर प्लस बीटा फोर, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रख देना, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, और इसको क्या ले सकते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा की पावर टू, ठीक है, हो जाएगा सिंपल सा था, ठीक है। इसके अंदर सभी केस एक ही में इंक्लूड कर लिए थे, क्वेश्चन अलग अलग मिल जाएगा बोर्ड के अंदर और आप लोग कर लोगे, सिंपल है बाकी का, ठीक है। तो अब तक बच्चों हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स को अच्छे से हम डील कर चुके हैं, उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं, आपको क्या करना है, अपने बुक्स उठानी है, एमसीक्यूज की बुक उठानी है, डिटेल सब्जेक्टिव थोड़ा कुछ भी बुक्स डालो, कहीं ना कहीं से एमसीक्यू मिल जाएंगे, इंटरनेट पर सर्च कर लो, एमसीक्यू लगा लो, अच्छे से कर लो, आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती है तीन, तीन इसकी डिग्री हो गई, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने क्या होते हैं बताइए आप मेरे साथ साथ, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने जीरो, तो तीन डिग्री तीन जीरो, तीन डिग्री तीन जीरो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किया था जिसके अंदर उसके अंदर रिलेशनशिप वेरीफाई की थी, ऐसे इसके तीन रिलेशनशिप होते हैं, वहां पे क्या होते हैं दो थे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे एक बढ़ जाता है बीच वाला, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस बी अपॉन ए। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है याद करना, ये जो होता है एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, और मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होता है, ऐसे होता है, जब नहीं पता होता फिर एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम मतलब अल्फा इंटू बीटा दो एक साथ लिए फिर उसका सम किया, यहाँ पे थोड़ा ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक। इसका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आ गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सी अपॉन ए, इसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है फिर इसमें फिर से माइनस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस ये आ गया, ठीक। जैसे उनके क्वेश्चन थे ऐसे ही इसके क्वेश्चन थे, सिंपल वेरीफाई करने होते हैं, सिंपल हमको जीरोस दे रखे हो डायरेक्ट उनको वेरीफाई करो, ठीक है, ओके सिंपल सी बात, ये समझ गए। अब हमको क्या हो गया, इक्वेशन से जीरोस निकालने आ गए, ठीक है, इक्वेशन से जीरोस निकालने आ गए, जीरोस से इक्वेशन निकालना जाना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक में था ऐसे इसमें भी होता है, जीरोस से इक्वेशन निकालना भी आना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन मतलब पॉलीनोमियल, जो हमें पॉलीनोमियल निकालना, कई बार इक्वेशन बोल रहा हूँ इक्वेशन मत समझना उसे, पॉलीनोमियल समझना, आदत हो गई इक्वेशन बोलने की, ठीक। पहला क्या आएगा, के कर्ली ब्रैकेट
एक्स क्यूब ठीक माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम बीच वाला जो मैंने बताया था क्या होता है उसका अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा क्या हो गया यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ठीक है ये हो गया सम ऑफ जीरोस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये इक्वेशन होती है इसके अंदर पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को अल्फा बीटा गामा दे रखा होता है कभी कभी हमको ये पूरा सम करके दे देता है सब कुछ प्रोडक्ट करके दे देता है वैसे हमको डायरेक्ट पुट करना होता है इक्वेशन आएगी उस पर टिक लगाना है डायरेक्ट एमसीक्यू ठीक है सिंपल सी हो गई इसको देख लीजिए अच्छा ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमको दे रखा है क्यूबिक पॉलीनोमियल के ऊपर इसकी हम जो हमने पढ़ा उसी की एप्लीकेशन है उससे इस क्वेश्चन से सारा का सारा हमने जो पढ़ा है वो सभी हमारा रिवीजन हो जाएगा सब हमारा क्लियर हो जाएगा हमको कैसे क्या करना है ठीक है इफ द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल ये पॉलीनोमियल दे रखी है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्यूबिक पॉलीनोमियल इसके जो जीरोस है वो हमारे ये है ए माइनस बी एक जीरो है फिर ए प्लस बी इसके तीनों जीरो है पहला जीरो ए माइनस बी दूसरा ए तीसरा ए प्लस बी हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है ठीक है पॉलीनोमियल क्या है हमारी एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओके ये पॉलीनोमियल है इस पॉलीनोमियल से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट जीरो इसका कितना है अल्फा की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी बीटा की वैल्यू ए एंड गामा की वैल्यू ए प्लस बी ओके ये आ गया अब हमको क्या करना है ए और बी की वैल्यू निकालनी है ए और बी की वैल्यू तो हमने पहली कंडीशन पढ़ी है सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी बीटा की वैल्यू ए गामा की वैल्यू ए प्लस बी माइनस बी ये बी यहाँ पे है ठीक है ये बी और ये बी सेम नहीं है ये बी है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये बी हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसको चाहो तो कैपिटल बी बना दो कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए ओके कंफ्यूजन मत हो रहा है ये सोच रहे ये और ये एक साइज से है ठीक है तो कैपिटल बी की वैल्यू माइनस थ्री माइनस फॉर्मूले का माइनस थ्री यहाँ से आया ए की वैल्यू वन माइनस माइनस प्लस थ्री माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल आउट हो गया थ्री ए इक्वल टू थ्री ए की वैल्यू कितनी आ गई वन ठीक है ए की वैल्यू आ गई अब हमको इसको वैल्यू निकालनी है बी की अब हमको बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे सेकेंड हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए माइनस डी और अपॉन ए वन मतलब माइनस वन हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस वन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस वन अल्फा की वैल्यू ए माइनस बी बीटा की वैल्यू ए और गामा की वैल्यू ए प्लस बी ठीक माइनस वन ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है और ये माइनस वन ए की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन ए की वैल्यू यहां से कितनी आई सॉरी प्लस वन आई प्लस वन यहां रख दी ए वन का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू वन और वन का इंटू किसी साथ करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा माइनस वन ठीक अब क्या होगा वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन वन को ट्रांसफर कर देते हैं बी को भेज देते हैं वन प्लस वन इक्वल्स टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई टू और बी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट टू ठीक ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और हमारी बी की भी वैल्यू आ गई ठीक है ये क्वेश्चन से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसके बाद हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे चलिए अब देखिए बच्चों हमने अब तक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्यूबिक पॉलीनोमियल ये सब अच्छे से कवर कर चुके हैं अब आता हमारा डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम पहले भी पढ़ चुके हैं जो अपनी छोटी छोटी क्लासेस के अंदर एट सेवन सिक्स ये क्या वो यूज होती है जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइड को वेरीफाई करने के लिए ठीक है तो आपको बता दें जैसे हम टू से डिवाइड दे रहे हैं सेवन का ठीक है तो टू थ्री या सिक्स और वन इसको बोलते हैं और इसको और इसको और इसको इसको जो बोलते हैं वो बताते हैं इसको बोलते हैं रिमाइंडर ठीक है इसको बोलते हैं कोशेंट इसको बोलते हैं डिविडेंड डिविडेंड इसको बोलते हैं डिवाइजर ठीक है डिविडेंड कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर ठीक है ये सब पता होना जरूरी है ठीक अब क्या करते हैं ये तो हमने छोटी क्लास में अपना पढ़ लिया अब हम यहाँ पे पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल का डिवाइड करेंगे ठीक है पॉलीनोमियल से पॉलीनोमियल डिवाइड करेंगे फिर वहां से हम वेरीफाई करते हैं कि हमने डिवाइड सही किया है या नहीं ठीक है
जो डिवाइड सही किया है वो हम वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम डिवाइड करना सीख लेते हैं। तो देखिए डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो वही जो हमको पॉलिनोमियल का था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करना, इस पॉलिनोमियल का इससे डिवाइड करना है। ठीक, तो अंदर क्या लिखेंगे, 2x² - x + 3। ठीक, 2x² - x + 3 ये अंदर आ गया, हमने इसको अरेंज कर लिया अच्छे से। अब बाहर क्या आएगा, -x + 2। ओके, ये हो गया। अब क्या करना होता है, हम पहले की बार लेंगे, सबसे पहले ये लेंगे 2x², यहाँ पे ये लेंगे -x, x से x कट गया, क्या आया हमारा -2x। ठीक है, माइनस नीचे का ऊपर पहुंच गया, -2x यहाँ आ गया। अब इस -2x का पहले वाले मल्टीप्लाई करो, फिर से समझो क्या करना था, सबसे पहले ये लेना था, इसका इससे डिवाइड करना था, कर दिया, जो आया उसको कोशेंट में लिखो। अब ये जो कोशेंट आया इसका पहले वाले से मल्टीप्लाई करो, तो -2x * x करेंगे क्या आएगा, -2x² - 2x². अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, -2x * 2 - 4x, अगर एक नंबर और होता तो उसमें एक नंबर को और मल्टीप्लाई करते, क्योंकि आ गया -4x। अब क्या करना होता है, हमें इनका साइन चेंज करना होता है, प्लस माइनस का है तो प्लस का कर दो, माइनस का है तो प्लस का कर दो। ठीक, कुछ मिस्टेक हुई, हाँ देखो, माइनस क्या होता है, प्लस, ये हमारा प्लस का आता तो प्लस वाली चीज किसी को हुई, माइनस की। ठीक है, तो हमारे जो साइन होते हैं उनको चेंज करते हैं, माइनस वाली चीज प्लस की। तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये वाला साइन भूल जाओ, ये साइन हमारे ऑलरेडी इन साइन को भूल जाओ। अब ये साइन कंसिडर करने हैं, ये प्लस का 2x², ये माइनस का 2x², ये कट गया, माइनस का x प्लस का 4x, माइनस x प्लस 4x क्या आएगा, 3x, और प्लस 3 इसको नीचे नोट कर लो। ठीक, अब फिर से वही काम, पहले इसको उठाओ 3x, फिर यहां से ये फर्स्ट उठाओ -x, माइनस से माइनस x कर गया, माइनस ऊपर पहुंच गया, ये क्या आ गया -3, इस -3 को यहां लिख दो। अब -3 का इसे मल्टीप्लाई करो, -3 - -x, -3x, 3x प्लस का लिख दिया। ठीक है, 3x प्लस का लिख दिया, क्या करेंगे, -3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -3 * 2 क्या हो गया, -6। ओके, -6 हो गया, -6 को हमने यहां लिख दिया। ठीक, -6 करते अब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस वाली चीज माइनस की, माइनस वाली चीज प्लस की, ये कट गया पूरा, प्लस का 3 प्लस का 6 क्या आ गया, 9। ओके, प्लस का 3 प्लस का 6 क्या आ गया, 9, ये हो गया रिमाइंडर, इसके बाद ये डिवाइड होगा नहीं, ये हो गया डिवाइड वाला। ठीक है, अब क्या बोलता है, ये डिवाइड हमको आना जरूरी है, जिसको डिवाइड नहीं आ रहा हो वो वीडियो को थोड़ा बैक पीछे करके अच्छे से समझ ले इसको। ठीक है, ये डिवाइड काफी जरूरी है टेंशन एल्गोरिथम के अंदर, मेन क्वेश्चंस तो यहीं से आते हैं, एक अल्फा बीटा वाले और एक ये क्वेश्चन, यही होते हैं मेन, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ऑक्टेन ऑल दी जीरो, दो जीरो दे रखे हुए, दो जीरो और निकाले होते हैं वो आते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलीनोमियल, ये सब आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, अब इसको हमको डिविजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, fx = gx * qx + rx, fx क्या है, ये वाला 2x² - x + 3, मतलब इसके बराबर आना चाहिए, पहला क्या है qx क्या है, -2x - 3, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, gx के साथ, gx ये है -x + 2, और प्लस rx क्या है, ये 9। अगर हम इन सबको सॉल्व करें और हमारा वापस से लौट के डिविडेंड आ गया, डिविडेंड क्या था, ये अगर ये आ गया तो हमने डिवाइड सही किया। तो देखिए क्या करते हैं, -2x का मल्टीप्लाई से करेंगे, -2x * -x क्या हो गया, 2x². अब -2x का 2 से करेंगे तो 2 * 2 = 4, वो भी माइनस के 4x, अच्छे से ध्यान दे से समझिए इधर। अब -3 का इसमें करेंगे, -3 * -x + 3x, और -3 * 2 में करेंगे तो -6 + 9, 2x² - 4 + 3 - x - 6 + 9 + 3, ये तो था 2x² - x + 3, ये हमारा आ गया, hence division outcome verified, division outcome verified होगा तो हमारा divide भी सही है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, -2x का पहले इसके साथ multiply किया, फिर -2x का 2 के साथ multiply किया, -3 का -6 का किया, -3 का 2 के साथ किया। ठीक है, ओके, अब इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या आ जाता है, इसी क्वेश्चन में आता है, पूछ लेता है what should be subtracted फ्रॉम द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हम इसका डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली मतलब नीचे रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बोलता है
व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलीनोमियल, ये जो पॉलीनोमियल दे रखा है इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इसका डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कुछ भी ना बचे। तो अगर हमको रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचाना तो हम रिमाइंडर को मैनेज कर देते हैं ना। अच्छे से बताइए, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो बच क्या रहा था? रिमाइंडर। रिमाइंडर को अगर हम क्वेश्चन में से माइनस कर दें, रिमाइंडर को हम क्वेश्चन में से हटा दें, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। जो चीज एक्स्ट्रा चीज थी रिमाइंडर, जो रिमेनिंग हो रही थी चीज, उसी को हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन ऐसा बोले क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले डिवाइड कर दो उसका जो रिमाइंडर बचे। कुछ सीधे बोल दो अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें, इसको इसमें से माइनस कर दें, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, बात खत्म। हमसे कोई पूछा था उसने, उसने क्या पूछा था? व्हाट्स बी सब्ट्रैक्टेड, हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसके अंदर बता देता हूं मैं, जैसे ये था देखिए, हाँ अपने, हाँ इधर बता देते हैं 2x2 - x + 3। इसी क्वेश्चन में बोलता है कि हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं? -9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये तो बताया मैंने कि हम क्या माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया 3 - 9 - 6 प्लस का एक्स माइनस का 2x2, ये सब ठीक है। ठीक है, ओके। अब मैं इसकी जगह पे यहाँ क्या लिख दूं, माइनस का 6 प्लस हटा दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमने मल्टीप्लाई किया था तो प्लस का 6 आ गया, प्लस का माइनस का 6 ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो गया? 0। रिमाइंडर तो बचा ही नहीं। क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट है? रिमाइंडर 0 हो जाए। हमने क्या कर दिया? जो रिमाइंडर बचा था उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हमने बता दिया कि भाई इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और वेरीफाई कर लिया, हमने एक बार हमने खुद डिवाइड कर लिया, हमें पेपर नहीं करना होगा वेरीफाई। ठीक है, ओके, समझ गए, अच्छी बात है। तो देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हमको दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर ही बेस्ड है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द पॉलीनोमियल x^4 + 2x^8 x^2 + 12x + 18, इस पॉलीनोमियल को हम दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करें। किससे डिवाइड किया? इससे। इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी px + q। रिमाइंडर क्या आया? px + q की फॉर्म में कुछ रिमाइंडर आया। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समझ में आया क्या बोला है? कि इस पॉलीनोमियल को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो px + q रिमाइंडर आ रहा है, हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए डिवाइड ही कर लेते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट डिवाइड से कर देते हैं। सबसे पहले x² + 5 अंदर x^4 + 2x³ + 8x² + 12x + 18। और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है बताने के लिए, मतलब अक्सर देखा बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत एफर्ट लगते हैं। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ऑलरेडी मुझे शूट करते करते 2 या 2.5 घंटा हो चुका है। आपके पास वीडियो ये आएगी 1 से 1.5 घंटे की, थोड़ा टाइम और लगेगा, कम से कम मुझे 3 घंटे हो जाएंगे बनाते बनाते। फिर इसको एडिट भी करना है, फिर इसके थंबनेल भी बनाना है, अपलोड भी करना है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, ये थोड़ा हार्ड वर्क है। तो आप थोड़ा सा इसमें लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चे हम लोगों की वीडियो को देख रहे हैं, वो हमसे एंगेज हैं, वो समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा करें तो हमको और मोटिवेट भी होता है, फिर हम और वीडियो बनाते हैं, और ये आपका फायदा ही। तो इससे कुछ नुकसान हो रहा हो, कुछ हम गलत बता रहे हो तो बताइए, अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो कमेंट करके बता दीजिए हमको, हम उसको सही कर देंगे, हम अपनी गलती के लिए अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है? ये वाला नॉर्मल लेना है। ये क्या था? x^4। तो x^4 / x² 4 में से 2 जाएंगे, क्या हो जाएगा? x², तो हमने ऑलरेडी लिख दिया था यहाँ पे x² आगे। ठीक है, क्या करना है? x² का इसे मल्टीप्लाई करना है x² * x² 4। अब x² मल्टीप्लाई करना है 5 से, x² * 5 क्या आएगा? 5x² 5x² कहाँ लगेंगे? x² के नीचे, याद रखना। जिसकी जितनी डिग्री आ रही है, जिसकी जितनी पावर है, उसको सेम पावर वाले के नीचे लिखते हैं, और इसका साइन चेंज। ठीक, ये कट गया। 8x² - 5x² 3x² प्लस का, यहाँ से ये नीचे आ गया 2x³। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? पैरा नंबर लेंगे 2x³ डिवाइड किससे करेंगे? x² से। x² x³ में से x² का डिवाइड किया, क्या बचेगा? 2x। ठीक है, 2x हमने यहाँ पे लिख दिया। 2x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे, 2x / x² क्या आ जाएगा? 2x³। 2x³ यहाँ लिख दिया, और 2x का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, क्या आएगा? 10x। 10x x का ही नहीं, हमने नॉर्मल वाला x उतारा यहाँ से, यहाँ पे x² था, तो हमने क्या किया? 12x यहाँ से इसको नीचे भेज दिया। ये 10x आया, 10x को कहाँ लिखेंगे हम? 12x नीचे, प्लस के 10x। अब साइन चेंज,
ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, किसी को दिखने में दिक्कत हो रही है क्या? ठीक है, अब साइन चेंज करेंगे तो 2x³ से 2x³ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्यूब है ना, ये स्क्वायर लिख दिया गलती से, 2x³, देखिए x का 2x³, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 3x², और यहाँ पे 12x में से 10x गए प्लस के 2x, अब क्या बचेगा 18 होनी चाहिए यार। फिर से क्या करना है, इसको लेना है, इसको लिया 3x², इधर से इसको लेना है x², अब x² से x² गया, क्या बचा 3 को यहाँ लिख लीजिए, अब इस 3 का पहले मल्टीप्लाई कीजिए 3 × x², क्या बचा 3x², लिख दिया 3x², 3 × 5 करेंगे क्या बचेगा 15, 3 × 5 करने 50 आएगा, 15 कहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया प्लस 15, नंबर के नीचे नंबर ही लिखेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2x, और यहाँ पे क्या था 18 − 15 3, इसके बाद डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, डिवाइड होगा नहीं, डिवाइड जब तक होता है जब इसकी पावर छोटी हो और इसकी बड़ा हो, ठीक है, हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, किस फॉर्म में है 2x + 3, इसको हटा देते हैं आप, 2x + 3 की फॉर्म में रिमाइंडर आ गया 2x + 3, क्वेश्चन बोला था px + q की फॉर्म में आएगा, px + q मतलब ये px + q 2x + 3 आपस में इक्वल होंगे, अब इक्वल होंगे तो इनको क्या कर लेते हैं कंपेयर, कंपेयर होता है दोनों साइड देख लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं x के साथ, x ये रहा 2 है, यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ये q इसके साथ है तो q की वैल्यू कितनी हो गई 3, सिंपल सा क्वेश्चन, हलवा सा क्वेश्चन कुछ था इसमें, इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स थे जब ये सब्जेक्टिव पेपर था, अब तो MCQ वाला ऑब्जेक्टिव तो अब ये आएगा ही नहीं, इतना बड़ा आएगा ही नहीं, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे वैसे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है कैसे होता है, ठीक है, जब आपको डिटेल थ्योरी आती होगी तो आप MCQ तो अपने आप कर लोगे हमारा मानना। चलिए बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ये पॉलीनोमियल है इसके सारे जीरोस निकाल दें, सारे जीरोस मतलब कितने जीरो होंगे इसके, डिग्री 3 तो 3 जीरो होंगे, 3 में से ये 2 जीरो दे रखे हैं, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर √2 and −√2, ठीक है, इसने बोल दिया कि √2 और −√2 इसके 2 जीरो हैं, ठीक है, ये बोल दिया, चलिए इसको पढ़ते हैं, देखिए 9th में आपको पढ़ाया था कि किसी भी पॉलीनोमियल का अगर एक जीरो है, किसी भी पॉलीनोमियल की अगर ये वैल्यू x की वैल्यू 2, ये इसका जीरो है तो x − 2 इसका क्या होगा सेक्टर होगा, ठीक है, ये 9th की बात है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एक जीरो है x = √2 एंड एक जीरो है x = −√2, तो x − √2 = 0 एंड x + √2 = 0, ये दोनों क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे कि नहीं, इसके फैक्टर होंगे ये दोनों, ये हमने 9th में पढ़ रखा है, अब ये दोनों इसके फैक्टर होंगे तो x − √2 and x + √2 = 0, ये a − b और ये क्या बन गया a + b का फॉर्मूला, a − b, a + b का फॉर्मूला क्या होता है a² − b², तो a² − b² मतलब a का स्क्वायर x² b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, x² − 2 = 0 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, जो हमें पॉलीनोमियल दे रखी है उसका ये फैक्टर है, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम, इसका जीरो निकालने का ही मेथड है, ठीक है, इससे क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे x² − 2 से इस पूरे पॉलीनोमियल को डिवाइड कर देंगे 2x³ − x² − 4x + 2, ठीक है, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x³ / x² x² से क्या आएगा 2x यहाँ गया, ठीक है 2x × x² 2x³ और 2x − 2 − 4x −4x ये नोट कर लिया, ठीक है −4x, इसके बाद क्या करेंगे इसके साइंस को हम चेंज कर देंगे, अब साइन चेंज करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा माइनस का और 4x क्या हो जाएगा प्लस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, ठीक है ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, अब इसको उतार लेंगे नीचे −x² + 2, अब क्या करेंगे −x² / x² x² से x² गया क्या बचा −1 यहाँ लिख दिया −1 मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो −x² −1 मल्टीप्लाई करेंगे −2 में तो +2, फिर से साइन चेंज किया प्लस का हो गया माइनस हो गया माइनस प्लस कैंसिल आउट प्लस माइनस कैंसिल आउट रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है ये हो गया, अब इसके बाद क्या करना होता है हमको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में समझ लीजिए अच्छे से,
सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमें तो जीरो दे रखी होगी वहां से एक इक्वेशन बनानी होती है, एक्स इक्वल टू रूट टू, तो एक्स माइनस रूट टू एक्स प्लस रूट टू वाली है, इसको हमने इधर लिया है, सिंपल ये किया है, फिर ए प्लस बी एनर्जी का फॉर्मुला लगा दिया, ठीक है ये हो गया। अब इससे हमको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने का हमको क्या करना है, इसका डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, ठीक है डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे लगा देते हैं, वहीं से हमारे बाकी का जीरो एक जीरो रह गया है, दो दे रखे एक रह गया वो निकल के आएगा। देखिए क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये तो होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब क्या करेंगे, जी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, जी एक्स कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्यू एक्स की वैल्यू टू एक्स माइनस वन, आर एक्स तो जीरो है ही, ठीक है। एफ एक्स के बराबर होता है जीरो के बराबर होता है, एफ एक्स पॉलीनोमियल किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर, तो एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा जीरो, जैसे हमारा ये पॉलीनोमियल था, देखिए जैसे टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू किसके बराबर होता है जीरो के, तो मैं एफ एक्स जगह ये लिखूं या फिर ये लिखूं, बात तो एक ही है ना, समझ में आ गया होगा, तो मैं लिख दिया इसके लिए जीरो, ठीक है जीरो लिख दिया। इससे क्या फैक्टर निकल के आएगा, एक आएगा प्लस का टू, ये रहा प्लस का टू, एक आएगा माइनस का रूट टू, तो ठीक है यहां से तो हमको पता है क्या होगा, एक्स प्लस रूट टू और एक आएगा एक्स माइनस रूट टू, यहां से क्या आएगा टू एक्स माइनस वन, तो यहां से प्लस माइनस का रूट टू निकल आएगा, यहां से प्लस का रूट टू निकल आएगा, और यहां से टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन टू, ये इसका थर्ड जीरो भी निकल आया। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई वीडियो का ना कोई मिस्टेक हो गई हो पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि हो जाती है मिस्टेक, पूरा ध्यान नहीं रहता है, तो वो उस मिस्टेक को भी कमेंट कर दीजिए, हम उसको सही कर देंगे, कोई मिस्टेक हो बता देंगे, और आपको कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर दीजिए। चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।